प्रखर आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम आणि जिद्द बाळगल्यास स्पर्धा परीक्षेत यश मिळणं सहज शक्य आहे, असं प्रतिपादन प्रशासकीय अधिकारी सलमानताज पटेल यांनी व्यक्त केलं. 22 जानेवारीच्या स्पर्धा परीक्षेकरता परिश्रमपूर्वक प्रयत्न केले तर यश आपल्या पायाशी आहे, यातून देशसेवा करण्याची संधी घ्यावी, असं प्रतिपादन सलमानताज पटेल IPS लखनऊ यांनी केलं. सोशल महाविद्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक केंद्राचं उद्घाटन करण्यात आलं, या प्रसंगी ते बोलत होते. सोशल महाविद्यालयात जमियत उलमा ई हिंद यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित कार्यक्रमास जमियत उलमा ई हिंद अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम, उपाध्यक्ष आयुब मंगलगिरी, कोषाध्यक्ष मैनुद्दीन शेख तसंच सदस्य उपस्थित होते. यावेळी आपल्या भाषणात डॉ आयजे तांबोळी यांनी सांगितलं की अभ्यास पूर्ण करून जिद्द आणि मेहनतीनं विषयाची मांडणी केल्यास यश मिळू शकतं. मोस्टली कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम ग्रेजुएशन के बाद इसका एलिजिबल होते हैं, तो उस वक्त तक आपको अच्छी खासी मालूमात हो जाती है कि किस तरीके से एग्जामों की तैयारी करना है. राइटिंग स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जिस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात है मगर वो चीज़ आपको 10 मार्क में लिखनी है, जैसे 250 मार्क के पेपर है अगर और 3 घंटे में उसको ख़त्म करना है तो 10 मार्क का एक आंसर है तो 7 मिनट में आपको वो आंसर ख़त्म करना है लिखकर, और बहुत अच्छे तरीके से लिखना होगा. जैसे आपको अगर बताया जाए, एक सिंपल है कि सोलापुर के बारे में बताइए, आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आपके जहन में जो भी हैफजाट लिया है आप वो लिख सकते हैं. हर बच्चा कुछ ना कुछ लिखेगा, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा है, वो कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा उसमें, मगर वो ढूंढते हैं कि आइडियल आंसर क्या है, किस तरीके से वो सोलापुर को इंट्रोड्यूस करता है, किस तरीके से उसका कंक्लूजन वो बनाता है आंसर का, किस तरीके से उसके बॉडी बनाता है, अलग अलग पैराग्राफ किस तरीके से बनाता है. आपका ये होना चाहिए कि अगर वो आंसर 10 मार्क का है तो मुझे कितना लिखना है, अगर वो 20 मार्क का है कितना लिखना है, अगर वो 10 मार्क का है तो कितने मिनट में मुझे वो ख़त्म करना है, नहीं तो पेपर आपका ख़त्म नहीं होगा. आप लिखते जाएंगे सोलापुर की तारीफों में पुल बांधते जाएंगे 4 पेज तक, वो आंसर तो आपका 10 मार्क का ही है, बाकी 240 मार्क तो और आगे हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही मुझे कितना लिखना है, कितने वक्त में लिखना है और उसमें क्या लिखना है, ऐसा कि पूरी बात भी कवर हो जाए. दरम्यान स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरता स्वतंत्र ग्रंथालय आणि वाचनालयाची उपलब्धता करण्यात येईल, विविध शासकीय जागांच्या माहितीचे फलक लावण्यात येईल, असंही प्राचार्य डॉ आयजे तांबोळी यांनी सांगितलं. या स्पर्धा परीक्षेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्राचार्य डॉ आयजे तांबोळी, डॉ ए गडवाल, जमियत उलमा ई हिंदचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम, उपाध्यक्ष आयुब मंगलगिरी, कोषाध्यक्ष मैनुद्दीन शेख आदी उपस्थित होते.